एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत इन बीसीएन की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। महाकाल की थाली वाले ऋतिक रोशन के विज्ञापन पर विवाद में जोमैटो ने मांगी माफी। चीन फिर करेगा सैन्य अभ्यास, इस बार हांगकांग होगा निशाना, टाइमिंग हुई सेट। अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन करने पहुंचे किसानों को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का राज्यव्यापी दौरा शुरू, जल्द ही एकनाथ शिंदे के गढ़ थाने से करेंगे शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह की टॉलीवुड स्टार जूनियर एनटीआर से होगी आज मुलाकात। उड़ीसा, बालासोर और मयूरभंज चक्रवात की चपेट में, बड़े स्तर पर रेस्क्यू जारी। महाराष्ट्र सामना में किसानों को मुआवजा नहीं देने पर एकनाथ शिंदे ने साधा निशाना सरकार पर। शिवसेना एमपी संजय राउत की हिरासत बढ़ी, 5 सितंबर तक कस्टडी में रहेंगे। और तीसरा वनडे कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता, जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की पहली बैटिंग।